सर आगे थोड़ा चलिए सर, सर आगे थोड़ा चलिए सर। चतरा में पिकअप वैन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा पकड़ के रखे गए ड्राइवर को सुरक्षित निकालने पहुंची पुलिस बल, जिसको यह महंगा पड़ गया। पुलिस जवानों को घेर कर ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना सदर थाना क्षेत्र की डहुरी गाँव की है। घटना की सूचना पाकर SDPO अविनाश कुमार एवं थाना प्रभारी मनोहर करमाली दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। SDO मुमताज अंसारी, VDO गणेश, रजक और CO भागीरथ महतो भी मौजूद रहे। आक्रोशित ग्रामीणों के साथ वार्ता के दौरान पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई और ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। बचाव में सुरक्षा बलों ने भी लाठियां भांजी। पथराव और लाठीचार्ज में एक दर्जन से भी अधिक ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस की गाड़ियों को भी ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। स्थिति को देखते हुए पुलिस लाइन से अतिरिक्त सुरक्षा बल की टुकड़ियां बुलाई गई है। ड्यूटी में थे, ड्यूटी के दौरान करीब 9 बजे के आसपास थाना प्रभारी के महोदय के द्वारा फोन आया, जो पिकअप में एक्सीडेंट हो गया है, मोटरसाइकिल से पिकअप मार दिया है। तो उस समय ये पता नहीं था घायल है या स्पॉट है। तो हम तुरंत मैं स्पॉट पे पहुंचा। वहाँ टिकट मुखिया रघुजी थे, उनके सहयोग से हम अपने पब्लिक के में देखे गाड़ी नहीं है तो अपना गाड़ी में पहले मैं हम सोचे कि घायल को पहले हॉस्पिटल भेजवाना प्राथमिकता समझे। मैं अपने पुलिस पार्टी को बोला ये दोनों को लेके तुम हॉस्पिटल जाओ, हम यहाँ रुकते हैं। हम रुके वहाँ और अपने सीनियर को फ़ोन किए, बोले पांडे जी मुंशी को फ़ोन कीजिए, आप 407 भेजिए, बॉडी उठाना है और चौकीदार को भेजिएगा। इसी दौरान भीड़ से हल्ला हुआ, जो ड्राइवर पकड़ा गया है चौड़ा में, पिकअप भी पकड़ा गया है। तो हमको ये लगा जो कहीं उसके साथ मॉब लिंच ना हो जाए, तो हम अपना कर्तव्य को याद करते हुए हम पहले ड्राइवर को बचाने के लिए हम मुखिया जी के मोटरसाइकिल में बैठ के हम वहाँ गए चौड़ा गया। उसके बाद मुखिया जी को हम बोले भी कि मुखिया जी गाड़ी को थाना लेके जाते हैं, ड्राइवर को बीच में बैठा और एक पब्लिक को बैठा है, जो मेरा मोबाइल भी वो पब्लिक के पास ही है, उसको बैठा है। बोले जो चलो, पब्लिक को बोले जो किधर से चलना ठीक रहेगा जी। बोला सर उधर से जाएंगे, अभी तो मूवमेंट है, वहाँ डेड बॉडी है, वहाँ कम से कम 150-200 आदमी है, ड्राइवर को छीन लेगा तो सर मार देगा। तो हम बोले दूसरा रास्ता बताओ। दूसरा रास्ता बोला जो इधर से चलिए, सिंहपुर होते हुए, लेफ्ट खरीक होते हुए हम लोग थाना पहुंच जाएंगे, लेकिन 10 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो हम गाड़ी अपने ड्राइव करते हुए उसको लेके आए। पब्लिक को लगा जो हम गाड़ी पैसा लेके भगा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं, आप ड्राइवर से सब पूछ सकते हैं। हम ड्राइवर को बचाने का प्रयास किए थे, किस कारण पब्लिक हमको मेरे साथ इस तरह से किया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।